आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे, उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लें। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और उनको शेयर भी करें। कल मोदी ने न्यूयॉर्क में क्या कह दिया जिसको सुनकर न केवल अमेरिका का बल्कि पूरे के पूरे पश्चिमी विश्व का रंग उड़ा हुआ है। जी हाँ, न केवल पश्चिमी विश्व का रंग उड़ा हुआ है, बस राहुल गांधी के ओवरसीज कांग्रेस वालों का भी रंग उड़ा हुआ है बुरी तरह से, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हुआ क्या। अब आप ये देखिए कि एक तरफ राहुल गांधी जाते हैं और मिलते हैं इलहान उमर से और भारत विरोधी तत्वों से और समर्थन करते हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू का, और दूसरी तरफ मोदी जाते हैं और मिलते किससे हैं, देखिए उनसे मिलने जो लोग आए, जिनसे उन्होंने बात की, उन्होंने बात की सेमीकंडक्टर्स की, उन्होंने बात की टेक्नोलॉजी की अपॉर्चुनिटीज़ की, उन्होंने बात की क्वांटम टेक्नोलॉजी की, उन्होंने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और राहुल गांधी क्या बात करते हैं आप सभी जानते हैं, मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वो तो भारत को खंड खंड करना चाहते हैं, और वो जो पूरा का पूरा जो नैरेटिव है वो वाला है जो अमेरिका ने यूगोस्लाविया में चलाया था। वो भूल गए कि भैया वो 1990 के दशक की बात है जब अमेरिका अकेला सुपर पावर था और उसने नेटो के साथ में यूगोस्लाविया पर बॉम्बार्डमेंट करके और उसको 6-7 देशों में विभक्त कर दिया था। अब अगर ये सोच रहे हैं कि 2020 के दशक में मोदी के होते हुए ये भारत को कई हिस्सों में विभक्त कर देंगे, तो भाई क्या कह सकते हैं, होश की दवा करो यही कह सकते हैं। और उनका जो क्लाइंट है जिसके कई वीडियो सामने आ गए हैं, जिसको अमेरिका के जो डीप स्टेट के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आर यू रेडी टू बी स्कूल्ड, समझ रहे हैं ना आप कि क्या आप हमसे शिक्षा लेने के लिए तैयार हैं, आर यू रेडी टू बी स्कूल्ड। और राहुल बाबा कहते हैं यस यस सर्टनली, क्यों, क्योंकि वो तो अभी तक स्कूल कभी गए नहीं, अब उनकी स्कूलिंग शुरू हुई है और स्कूलिंग का जो भी प्रताप है वो आप देख रहे हैं सारा का सारा। जरा सी भी टीचर की निगाह हट जाती है कि उल्टा पुल्टा कर बैठते हैं। और यहाँ कौन कौन आए थे मोदी से मिलने कल, और भी बताता हूँ क्योंकि मैंने दो दिन से आपको लगातार बताया है कि किस तरह से चेस बोर्ड पे यानी कि शतरंज की चालें चली जा रही हैं, कभी शह कभी मात और कभी इधर से एक मोहरा पीटा उधर से दूसरा पीटा, लेकिन ये भूल गए कि भाई चेस ओलंपियाड में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारत ने ही स्वर्ण पदक जीता है। तो भाई शतरंज के खेल में अमेरिका भारत को कैसे हराएगा, ये अमेरिका के लिए भी सोचने वाली बात है। तो राहुल गांधी के लेक्चर्स में देश विरोधियों की धूम होती है, और यहाँ कौन खड़ा वहाँ पर, गूगल से सुंदर पिचाई और आपके एनविडिया से हैंसन हुआंग, उसके बाद एडोब से शांतनु नारायण, और इस तरह के IBM से अरविंद कृष्णा, ये लोग वहाँ पर, इस तरह के लोग वहाँ पर उपस्थित थे। बहुत लंबी लिस्ट है, वो पूरी की पूरी मुझे पढ़ के बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो संदेश दिया बाद में जिस प्रकार से भारत को प्रोजेक्ट किया न्यूयॉर्क में अपनी स्पीच में मोदी ने, उससे एक संदेश बिल्कुल स्पष्ट था कि अमेरिका फूट लो, अब भारत का ज़माना है, आने वाला समय भारत का है, अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट डीप स्टेट सब लोग समझ लो, भारत से मिलकर चलने में ही भलाई है, भारत को अब तुम पीछे नहीं कर पाओगे कितने भी षड्यंत्र कर लो। अरे तुम चीन को पीछे नहीं कर पा रहे हो जिसके के सारे जो है वो प्रोडक्शन वो एक्सपोर्ट लिंक्ड है, और तुम उसका कुछ नहीं कर पा रहे हो, उसके ऊपर सैंक्शन नहीं लागू कर पा रहे हो। रशिया को आपने करने का प्रयास किया, रशिया तो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गया, डीडॉलराइज हो गया, अब वो पूरी तरह से अपने रिसोर्सेज अपनी कमोडिटीज़ के आधार पर पूरे विश्व में
अपनी ट्रेडिंग कर रहा है, अपना हिसाब किताब जमा के रखा हुआ है, और आप लोग जो है वो देख रहे हो किसी तरह से कि यार कैसे भी कुछ करके रशिया की जो कमोडिटीज़ हैं वो हमें मिल जाएँ सस्ते में, तो फिर हम किसी तरह से अपना जो हमने चला रखा था सारा मामला वो आगे चलता रहे। जर्मनी को पूछो, फ्रांस को पूछो, इटली को पूछो। और आपको ये भी बताया था कि इस शतरंज के बोर्ड पे कैसे चालें चली जा रही हैं। तो आपने पहली चाल देखी, पहली चाल आपको पता है कि अमेरिका ने चली और अमेरिका ने खालिस्तानियों के साथ मीटिंग की मोदी के आने से पहले, वो वाली चाल चली। और उससे भी पहले उन्होंने है वो अजीत डोवाल के विरुद्ध समन्स जारी करवा दिए, ये उनकी पहली चाल थी। भारत ने अपनी चाल चली, भारत ने क्या चाल चली कि भाई फ्रांस के जरिए बता दिया कि भाई हमें ना तो तुम्हारे इंजन चाहिए, ना हमें तुम्हारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए, जो कुछ भी है वो हम ये फ्रांस से, इटली से, ये यूरोप के जो अन्य देश हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी, उनसे ले लेंगे, तुमसे पीछे नहीं है वो लोग। कोई बात नहीं, हो सकता है दो चार साल का फटका लग जाए हमें, लेकिन तुमसे नहीं लेंगे, चलो बोलो। तुरंत साहब बायलैटरल जब मीटिंग होती है तो हमारे बाइडेन साहब के साथ में जो वहाँ स्टेट डिपार्टमेंट वाले और पेंटागन वाले बैठे होते हैं वो तुरंत कंसीड कर देते हैं कि नहीं नहीं ये देखिए ये प्रेडेटर जो ड्रोन है ये तो हम आपको दे ही देते हैं, ये तो बिल्कुल पक्का हो गया, साइन हो गया उसके ऊपर, हाँ प्रेडेटर ड्रोन जाएगा। और बाकी चीज़ों के बारे में नहीं नहीं हम ये भी देने को तैयार हैं, हम वो भी देने को तैयार हैं। अरे भाई देने को तो तुम सब तैयार हो, लेने को हम कब तैयार हैं भाई? तुम तो अपना जो G404 वाला जो इंजन है वो वाला कमिटमेंट तो पूरा कर दो। तुमसे क्या क्या नहीं लिया भारत ने, तुमसे C-130J ये लिए भारत ने, C-18 हरक्यूलिस ये लिया भारत ने, ये बड़े बड़े जो आपके ट्रांसपोर्ट जहाज़ जो हैं वो पूरा का पूरा जो उनका जो फ्लीट जितना भी बचा हुआ था C-18 वाला वो सारा का सारा भारत ने ले लिया। अब हेलीकॉप्टर्स ले लिए, आपके जो बड़े वाले जो हैं वो डबल इंजन वाले जो जिनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोटर वाले, डबल हॉरिजॉन्टल रोटर वाले वो भी ले लिए। फिर आप क्या चाहते हैं भारत से, आपसे हॉविट्जर भी ले लिए, पनडुब्बी तो आपसे लेंगे नहीं, आपका कोई भरोसा नहीं है, पनडुब्बी तो फ्रांस से ही लेंगे, और बाकी और जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो आपके ऊपर भरोसा नहीं है, इंजन्स का भी आपका भरोसा नहीं है, आपने अपनी हरकतें दिखा दी, आपने अपने तरीके दिखा दिए, F-16 एक पुराना जहाज़ है वो हमें चाहिए नहीं है। अब आप बताओ क्या दे सकते हो, जो भी हम लेंगे वो हम अपने टर्म्स पे लेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ लेंगे, और सारी की सारी कंपनियां आपकी जो हैं वो डीप स्टेट वाली वो हमारे यहाँ आने को तैयार है, वो तैयार है क्योंकि उनको पता है कि यही मार्केट है और यहीं से पूरी जो चाइना प्लस वन वाली जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन की बात हो रही है वो यहीं भारत से ही बनेगी। भारत ने अपनी लॉजिस्टिक्स चेन ठीक कर ली है, भारत में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बन गए हैं, भारत में बड़े बड़े कंटेनर टर्मिनल्स बन गए हैं, भारत में एक मुंदड़ा जैसा प्राइवेट पोर्ट है, अब नया एक वदावन बनने जा रहा है, JNPT की भी क्षमता बहुत बढ़ गई है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स आ रहे हैं, तो सबको अब ये संतोष है कि भाई यहाँ से फटाफट शिपिंग हो जाएगी पूरे विश्व में। और जो काम ताइवान करता था तो ताइवान को क्योंकि सिक्योरिटी का ख़तरा है चाइना से तो वो मेड अप हो जाएगा बाकी स्थानों से, यानी भारत से, विशेषकर भारत से। अब चिप मेकिंग के जो तीनों एलिमेंट्स हैं वो भी भारत में आ रहे हैं, यानी डिज़ाइन भी, फैब्रिकेशन भी, टेस्टिंग भी, तीनों। तो अब मूव ओवर अमेरिका, अमेरिका फूट लो, ये मैसेज था कल की मोदी जी की स्पीच का। अब अमेरिका ने इसका अर्थ समझा या नहीं समझा? जो भारत की प्रगति के बारे में जो आंकड़े दिए गए, हम कह सकते हैं कि भाई आंकड़े देने से क्या होता है, लेकिन वो आंकड़ों के पीछे एक छुपा हुआ संदेश था, उस संदेश को पढ़ने की आवश्यकता है। उस संदेश को जो भी पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि भाई ये भारत उस भारत की बात हो रही है जो अगले 5 से 10 वर्ष में पूरे विश्व के लिए अपरिहार्य है। क्यों?
क्योंकि वही वाली बात है भाई, हम सूदखोर नहीं हैं। हम किसी देश में जाते हैं तो उनकी संस्कृति का विनाश नहीं करते हैं, हम किसी देश में जाते हैं तो वहाँ अपना धर्म नहीं थोपते हैं। हम पूरी दुनिया से ये नहीं कहते हैं कि हमारा भगवान ही अकेला भगवान है और उसके अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है। हम किसी से ये नहीं कहते हैं कि भाई हमारे भगवान की पूजा नहीं करोगे तो तुम नरक में जाओगे। हम सभी को ये कहते हैं कि भाई स्वर्ग और नरक जो है वो आपके सत्कर्मों से निर्धारित होगा, सत्कर्मों से या दुष्कर्मों से निर्धारित होगा। तो इसलिए ऐसा भारत अब सबको स्वीकार्य है। आज की इन्फॉर्मेशन एज में ये धींगा मस्ती जो अमेरिका करता रहा है पिछले 100 वर्ष से और उसके पहले ब्रिटेन करता रहा है, अब वो नहीं चलने वाली। अब तो भारत का ही युग है, भारत की ही सदी है, भारत का ही ज़माना है। बस हमें अपने अंदर के जो आधे फ्रंट का इंतज़ाम करना है और वो भी आरंभ हो गया है। आपको पता ही है जयपुर डायलॉग्स आप देखते हैं तो आप जानते हैं कि कैसे वो भी आरंभ हो गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।